नैनीताल हाई कोर्ट ने एक शादीशुदा महिला को लिव इन पार्टनर के साथ रहने की अनुमति दे दी है। दरअसल आपको बता दें, ये पूरा मामला कुछ यूं है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून के एक जिम ट्रेनर की ओर से लापता पत्नी के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान जिम ट्रेनर की पत्नी अदालत पहुंच गई और उसने कहा कि वो अपने पति 10 साल के बेटे और 6 साल की बेटी को छोड़ गई और अब फिरोजाबाद में अपनी लिव इन पार्टनर के साथ रह रही थी, जिससे उसकी मुलाकात इंटरनेट मीडिया पर हुई थी। पत्नी ने अदालत को पूरी बात बताई। उसने कहा कि मेरा पति जिम ट्रेनर उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। महिला ने कोर्ट में कहा कि वो अपनी इच्छा से फरीदाबाद गई थी, वो अपने प्रेमी के साथ रह रही है। उसने कहा उसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, वो अब देहरादून उसके साथ नहीं रहना चाहती। और दूसरी तरफ पति जिम ट्रेनर का कहना है कि महिला के साथ उसकी शादी फरवरी 2012 में हुई थी। 37 वर्षीय महिला ने फरीदाबाद में एक व्यक्ति के साथ विवाह में होने के बावजूद संबंध बनाए और 7 अगस्त 2022 को अपने परिवार को छोड़ दिया। इसके बाद वो फरीदाबाद में रहने लगी, जहां उसके माता पिता भी रहते हैं, और लौटने से अब इनकार कर दिया है। जिसके बाद वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने महिला को अपना जीवन अपने तरीके से जीने की अनुमति दे दी है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा, जैसा भी हो, चूंकि महिला ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ रह रही है, इसीलिए आगे कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। यानी कि नैनीताल हाई कोर्ट से अभी से शादीशुदा महिला को लिव इन पार्टनर के साथ रहने की अनुमति मिल चुकी है। वहीं पति के वकील अरुण कुमार शर्मा का कहना है कि भले ही न्यायालय के द्वारा इस घटना को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद वो इस फैसले को लेकर शीर्ष अदालत में चुनौती देंगे, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा फैसला हाईकोर्ट द्वारा देना विवाह संस्था के लिए खतरनाक साबित होगा। वकील का कहना है कि महिला के सारे आरोप गलत हैं, उसने बिना किसी वैध कारण के अपने पति को छोड़ दिया है।